नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उसने कहा कि एक वर्ग है तो हमने एक वर्ग बना लिया। इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या उसने कहा कि इस वर्ग में जो हमने वर्ग बनाया इसके अंदर एक वृत्त है तो हम एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त कैसा रहेगा, इसी के अंदर रहेगा जो उसकी भुजाओं को टच करेगा, ऐसे भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो एक वर्ग है और उस वर्ग के अंदर वृत्त है। अब वृत्त है तो जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास यानी कि वृत्त का डायमीटर। और यहां से यहां तक की दूरी यानी ये तो भुजा बन गई है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। बस प्रश्न में सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है कि जो वर्ग की भुजा है वह वृत्त के व्यास का काम करेगी। ठीक है, अब वृत्त का व्यास मिल जाएगा, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिया क्या था हमें, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो वृत्त की भुजा है, जो वर्ग की भुजा है, चाहे ये भुजा ले लो चाहे ये भुजा ले लो, कोई भी भुजा हम ले लें तो वह वृत्त की व्यास के काम करेगी। ठीक है, अब हमारे पास व्यास आ गया, हमें निकालनी पड़ती है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2 यानी 14/2, दो से काटेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या हमारी निकल के आ गई है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के साथ त्रिज्या का स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और आर की वैल्यू आई है 7, तो 7 × 7 कर देंगे, 1/7 यहां से खिसक जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, यह बचेगा 22 × 7, गुणा करेंगे 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस वर्ग के अंदर स्थित वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, उसने कहा था कि इस वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़े का मतलब है कि जो कि चारों भुजाओं से टच करे, इसलिए हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया जो कि 154 वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।